₹500 में बुक की है भैया जी की बहुत मेहरबानी। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं और आगे चलते गौरीकुंड से कर लेंगे हम खच्चर। तो अभी गौरीकुंड पहुंचते भाई सबसे पहले भाई यहाँ का गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका केपी एक्सप्लोर में। दोस्तों कैसे हो सारे? तो भाई शुरुआत हमारी सुबह कुछ बहुत अच्छी हुई है। ये देखो सामने यार पहाड़ी है बिल्कुल और नीचे झरना बह रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो भाई सो के उठ चुके हैं, रेडी हो गया हूँ भाई मैं नहा धो के बिल्कुल, और सारे भाई भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी टाइम हुआ है 5:30 के आसपास, तो अभी नहा धो के यहाँ से भाई निकल रहे हैं नीचे सोनप्रिया के लिए। अभी अपनी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में नीचे वहाँ पे सामने, और उसके बाद निकलेंगे भाई। तो भाई हो गए रेडी? बिल्कुल रेडी भाई। तो भाई ये अपना कुछ रूम था, अभी भी लाइट नहीं है भाई, रात को लाइट आ गई थी, मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाया। बाकी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है, और ये अपना सामान फैला पड़ा है भाई, ये वॉशरूम है इसका। हाँ भाई रेडी है? रेडी भाई। है तो चलो भाई, पैकिंग वैकिंग हो गई और अभी जा रहे भाई पार्किंग में। ठंड लग रही है भाई यहाँ तो बिल्कुल ना, और अभी पहनता हूँ शूज नहीं पहन रखे, गाड़ी में पड़े हुए भाई शूज, वहाँ से बैग वैग रेडी करके, क्योंकि जो फालतू का सामान है उसको गाड़ी में छोड़ देंगे, उसके बाद जो सामान है उसको, जो ज़रूरत का सामान है उसको ऊपर लेके जाएंगे भाई। और यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है भाई सुबह सुबह का, एक नंबर का रिजोर्ट है भाई ये, और देख रहे हो कैसे यहाँ से बिल्कुल नदी के एंड में जाके है, और ये सामने आ गई पार्किंग। दोस्तों हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है भाई, यहाँ की आपको पार्किंग दिखा देता हूँ मैं, सोनप्रिया की पार्किंग। ये देखो ये पार्किंग है दोस्तों, जो इसका रेट चल रहा है भाई आजकल 24 घंटे का ₹500 चल रहा है, क्योंकि यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या होती है। यहाँ भाई और पार्किंग है नहीं, एक ऊपर है वो पहले ही बंद हो जाती है, उसके बाद यही ओपन रहती है। कल तो इसमें जगह मिली भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल हमने जगह ढूंढी, उसके बाद हमने गाड़ी लगाई, ₹500 पर गाड़ी हमने लगाई भाई यहाँ पे। तो भाई ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, सांस मेरे को चढ़ गया क्योंकि बैग में भी वेट है यार, और यार वो जो कैंपिंग का सामान था ना उसमें बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था, वो टेंट ही हमारा 3% का था, वो 4.5 किलो का था, वो मैं गाड़ी में छोड़ गया है, और जो स्लीपिंग बैग था उसमें भी 2 किलो के आसपास वेट था, वो भी छोड़ गया। देखा जाएगा ऊपर जाके ना, क्योंकि जल्दी पहुँच जाएंगे, टेंट वेंट मिल जाएगा। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ से सोनप्रिया की लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आप लोकल जो आप देख रहे होंगे नीचे लगाए हुए हैं सामान, कैप ग्लव्स रेनकोट वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों टैक्सी के लिए मारामारी देख रहे हो, कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है भाई, ये देखो वहाँ से लेके लाइन और पीछे तक जा रही है, पीछे आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी वहाँ पर, ये आगे फ्लाईओवर तक घूम के जा रही है ये लाइन। और यहाँ पे भाई खच्चरों के लिए पूछ रहा हूँ तो अभी कोई खाली नहीं है, इतना बुरा हाल हो रहा है इस टाइम तो। तो दोस्तों आपको ये फ्लाईओवर दिख रहा है, यहाँ तक लाइन है भाई वो, और एंड में जाके यहाँ पे कैब मिल जाती है, ये सामने यहाँ से कैब मिल जाएगी। बहुत मारामारी हो रही है यार इस टाइम तो ना। तो भाई सारे हम कैब में बैठ चुके हैं, और कितना रेट है रे? भैया जी ₹500 में बुक की है भैया जी की बहुत मेहरबानी, ₹500। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं और आगे चलते गौरीकुंड से कर लेंगे हम खच्चर। तो अभी गौरीकुंड पहुंचते भाई सबसे पहले, तो भाई यहाँ का तो दोस्तों टैक्सियाँ यहीं तक आती है, वैसे जाती तो भाई आगे तक भी है, लेकिन अभी फिलहाल जाम लगा हुआ है, और यहाँ से 200-300 मीटर टैक्सी स्टैंड है, तो यहाँ से पैदल चले जाते हैं सारे यात्री।
तो हम भी यहाँ से पैदल जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों गौरीकुंड हम पहुँच चुके हैं भाई, और अब यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। टैक्सी इसे 200 मीटर पीछे छोड़ देती है। कितने सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम बैठ चुके भाई खच्चर पे, और भीड़ दिखाता हूँ आपको दोस्तों, भीड़ कितनी है यहाँ पे देखो भाई, नीचे भीड़ देखो, भीड़ कितनी है। पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है अभी दोस्तों, हमें ऊपर का पता चलेगा कि ऊपर कितनी भीड़ है भाई। ऊपर हमें टेंट या GMVN के कुछ होटल वोटल मिलते हैं। तो दोस्तों पर्ची वर्ची कटवा के भाई हम निकल चुके हैं, और अभी मैं बैठा हूँ भाई घोड़े पे। तो यहाँ के टिकट की अगर बात करूँ मैं घोड़े की, तो भाई एक आदमी की 2500 रुपये तो ये घोड़े वाले लेते हैं, और 150 रुपये की एक सरकारी रसीद और कटती है जो सरकार के खाते में जाती है भाई। तो टोटल आप 2650 रुपये आप बोल सकते हैं। तो अभी निकल लिए हैं, 4.5 घंटे हमें लग जाएंगे ऊपर पहुँचते टाइम। तो चलिए, तो भाई हमें ना प्रवेश भाई लेके जा रहा है। भाई हेलो बोलियो। तो भाई यहाँ के नज़ारे देखो, कितने सुंदर नज़ारे हैं, कितनी गहरी गहरी खाई है दोस्तों। केदारनाथ यहाँ से 15 किलोमीटर रहता है, वैसे तो लिखा हुआ 15 किलोमीटर है भाई, वैसे मुझे लगता है ज़्यादा है, ये लिखा हुआ तो 15 किलोमीटर वैसे ज़्यादा है ना, ज़्यादा किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पुराना ट्रैक था वो 15 किलोमीटर यहाँ से बचता था। हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस है भाई? फिलहाल तो बहुत मजे आ रहे हैं, फिलहाल बहुत मजे आ रहे हैं। पापा ज्यादा सही सलामत पहुंच जाए। तो भाई ये अपनी टीम है, दो आगे चल रहे हैं, एक पीछे है, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा अभी। एक वो बहन जी जा रही है, बहन जी हेलो। चढ़ाई बहुत टफ है यार यहाँ की ना, यहाँ से जंगल चट्टी 2.5 किलोमीटर रहता है। सबसे पहला पड़ाव आता है गौरीकुंड, उसके बाद आता है जंगल चट्टी, और जो आगे आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई खच्चर पे आ रहा है, मजा एक नंबर का। आपके बार तो कम चल रहा है, आपके बार तो कम चल रहा है भाई, पहले झरना बहुत बढ़िया चलता था ये। हर हर महादेव। गौरीकुंड से हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं, और भैरव मंदिर अभी 0.5 किलोमीटर रहता है यहाँ से। तो भाई अब सारे आ गए हैं, बीच में हमने जंगल चट्टी में अपना कुछ खा लिया था, मैगी वैगी खा ली थी, भूख लग रही थी, हम नीचे से कुछ खा के नहीं आए थे भाई। भाई यहाँ के व्यू देखो, छोटे छोटे झरने हैं बीच बीच में दोस्तों। यहाँ पे ना बिल्कुल देखो जीरो नेटवर्क है, अभी 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 फिर से गायब हो गया, अभी एक सिग्नल आया था जियो का, वो भी गायब हो गया। बाकी भाई मज़ा पूरा आ रहा है, व्यू देखो यार, एक झरना ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार। कैमरे में ना जस्टिस नहीं हो पाता, बाकी आँखों से देखने में कुछ अलग ही महसूस होता है। जाम लगा हुआ है, सांस चढ़ गए मारे। की
अभी फिलहाल हम रामबड़ा भाई पहुंच गए हैं और करीबन 2 किलोमीटर हम पैदल चल के आए भाई। 3-4 किलोमीटर लंबी ना एक घोड़े की लाइन लगी हुई है, चक्का जाम हो रखा है भाई घोड़ों का भी। गाड़ियों का ट्रैफिक देखा था, आज मैंने घोड़ों का ट्रैफिक देखा है, वो भी किसकी वजह से, ये पुल दिख रहा है ये वाला पुल, इस पुल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना एक बार ही उधर से आते हैं और एक बार ही इधर से जाते हैं और 5-6 घोड़े इकट्ठे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 30-35 हज़ार घोड़े खच्चर है, इस वजह से यहाँ जाम लग रहा था। और ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे घूम के ऐसे, और जो पैदल का रास्ता है वो यहाँ से ऊपर से सामने पुल है, वहाँ से फिर सीधा ऊपर चढ़ जाता है। तो भाई अभी मौसम भी ख़राब हो गया है, काफ़ी बारिश का मौसम हो रहा है और अभी हमें घोड़े का वेट करना पड़ेगा, वो भी अभी आएगा, 1.5-2 घंटे भी लग जाएंगे हमें। हम क्योंकि वहाँ से पैदल आ गए थे, वहाँ पे बैठने का कोई फ़ायदा लग नहीं रहा था हमें, तो अभी उसका वेट करते हैं पुल के उस तरफ जाके। तो भाई पहले आपको दर्शन करवा देते हैं। तो दोस्तों अभी चल रही है आरती, आरती का टाइम हो गया भाई 7 बजे।